दोस्तों, आज हम आए हैं द वेस्ट ऑफ बंडक में, जो है राय काले खां दिल्ली के पास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवीण डबराल है और आप देख रहे हैं द हिमालयन स्टोरी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे वर्ल्ड्स ऑफ वंडर्स के साथ जो हमारे मोनूमेंट्स हैं उनको वेस्ट ऑफ वंडर्स में कैसे बनाया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। एक टिकट काउंटर है, मेरे साथ ही टिकट लेने के लिए लगा हुआ है। टिकट लेता जाए टिकट मंडे यहाँ पर जनरली ऑफ रहता है। ट्यूजडे तो सपोर्ट यहाँ की टिकट है 50 रुपये और संडे के दिन का चार्जेस है वो 100 रुपये। तो देख सकते हैं आप, ये नियर जो इसकी आपके जो कम्युनिकेट करने के लिए है वो नियरेस्ट यहाँ पे है सराय काले खां का स्टेशन। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो हजरत निजामुद्दीन का स्टेशन मिल जाएगा, और साथ ही अगर आप बस से आ रहे हैं तो सराय काले खां का बस स्टॉप यहाँ पर है। हमारी मेन एंट्रेंस गेट है, हमने टिकट ले लिया, अब हम एंट्रेंस करेंगे। चलिए देखते हैं अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। हमने मेन गेट से एंट्री कर लिया है। अंदर का ब्यूटीफुल व्यू काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पेड़ हैं। आप एंट्रेंस करते देखिए, यहाँ पे एक स्टैचू लगी है कोविड के नाम से, हमारे कोविड वॉरियर की फौजी जो हमारे डिफेंस है। एंट्रेंस का व्यू है, इनिशियली गेट पे इन्होंने वॉशरूम की सुविधा रखी है, बाकी अंदर की तरफ यहाँ पे एंट्रेंस है हमारी। चलिए देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले चलते हैं, क्या देखने को मिलेगा भाई पहला। मौसम काफी सुहाना और अच्छा हो रखा है। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं पिरामिड्स, गीजा का पिरामिड। जैसा वीडियो में देख पा रहे होंगे कि आगे की तरफ हमें वही नजर आ रहा है। ये आ गए हैं पिरामिड्स के पास। पूरा वेस्ट मटेरियल आयरन से बनाया गया है पिरामिड, काफी सुंदर बना रखा है। ब्यूटीफुली मैन्युफैक्चर्ड बाय इंजीनियर्स एंड द वेल्डर्स, सो ऑसम। अंधेरा होने वाला है और देख सकते हैं आप, इसके नीचे की लाइटें जलने लगी है। देखेंगे नाइट में कैसा व्यू आता है इनका नज़र। चलिए आगे बढ़ते हैं बाकी और चीज़ों को देखें। खूबसूरत लग रहा है ये एफिल टावर, लाइटिंग भी चालू हो चुकी है इसमें, ब्यूटीफुली डिजाइन करा गया है बिल्कुल एज अ रियल की तरह।
उसकी हाइट अप्रॉक्स 25 फीट तो होगी लगभग। तो अब आता है हम कोलोजियम देखने के लिए। ब्यूटीफुली आर्ट किया गया है इसको, देखिए वाओ ऑसम। हम चारों तरफ से देखेंगे। बेहतरीन आर्ट करी गई है, बनाने वाले ने काफी घर को भी बनाया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मॉन्यूमेंट्स की ओर। फ्रेंड्स अब आगे हम ताजमहल देखने के लिए। वाइट नहीं है मगर काफी अच्छा है, सेम से बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट में उसको देखने के लिए। क्वालिटी अच्छा है तो शोली उसे रिकॉर्ड करा जाएगा। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो के अंत में आप जरूर अपने